अयोध्या से ज्यादा जमीनों का गोरख धंधा कहीं नहीं हुआ। सत्ता के संरक्षण में रजिस्ट्रियों में अनियमितताएं हुई, कितने घंटे में कितना बदल गया, कुछ मिनट में कुछ करोड़ों कमा लिया। और जिस तरीके का विकास होना चाहिए था वो विकास सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार कह रही जाने कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिए हैं। अच्छी बात है, आजमगढ़ का सरकार कहेगी शुरू करने जा रहे हैं, मुरादाबाद का कहेंगे शुरू करने जा रहे हैं, चित्रकूट का शुरू करने जा रहे हैं, ये तीनों समाजवादियों के बनवाए हुए, कुशीनगर भी समाजवादियों का बनवाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपके जो नई पॉलिसी बनाई है आपने सेमीकंडक्टर की, उससे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी किसी और प्रदेश में नहीं जाएगी, उत्तर प्रदेश में ही आएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने का मतलब है हमारे तमाम उत्तर प्रदेश के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छी डिग्री हासिल है, जिनके हाथ में अच्छी डिग्री है, उन्हें नौकरी करने कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने घर परिवार के बीच में रह करके नौकरी और रोजगार कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कोई और तरह का समझौता हो जहां इसराइल भेजा जा रहा हो लोगों को। सोचिए यूपी में नौकरी नहीं, उनके स्टेटमेंट सुनिए आप, मजबूरी में वो वॉर जोन में काम करने जा रहे हैं, और आप कहते 40 लाख करोड़ जाने कितने करोड़ को रोजगार दे देंगे। तो आखिरकार रोजगार है कहां? अगर रोजगार होते तो लोगों को यहीं रह करके काम करना पड़ता, यहीं पर काम मिल जाता। सरकार कह रही कि 1,80,000 से अधिक जनसेवा केंद्र राज्य में संचालित हैं। अगर इतने जनसेवा केंद्र संचालित हैं तो अपने मामूली विवाद में जमीन को लेकर के किसी को मेरठ में आत्मदाह क्यों करना पड़ रहा है, बाराबंकी में तहसील के ऑफिस में क्यों आत्मदाह करना पड़ रहा है? अगर इतने केंद्र खुले हैं, 1,80,000 जनसेवा केंद्र, तो मेरठ में आत्मदाह कर लिया, किसान को अपने आत्मदाह करना पड़ा जमीन को लेकर के। और सच्चाई यह है अध्यक्ष महोदय, जो जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए कह रहे थे, इनका जीरो टॉलरेंस जीरो हो गया। किसी भी मान्य सदस्य से पूछ लीजिए आप, तहसील और थाने में क्या हो रहा है, इतना करप्शन, इतनी लूट कभी नहीं हुई होगी जितनी हो रही है इस समय। सरकार कह रही सोलर को लेकर के बहुत काम करना चाहती है, विद्युत उत्पादन में। वो बातें मैं रिपीट नहीं करूंगा जो बातें मैं पहले कह चुका हूं कि अभी तक इस सरकार ने कोई भी थर्मल प्लांट नहीं लगाया है, अभी तक कोई बड़ा बिजली का कारखाना इस सरकार ने नहीं लगाया, और जो पुरानी सरकार में लगे भी हुए थे, जो लग रहे थे, उनको भी सरकार ने नहीं पूरा कर पाए। और जो बिजली आ भी रही है, जो आप आंकड़े में दिखाते हैं, ये वही कारखाने हैं जो समाजवादियों की सरकार में लग रहे थे, उन्हीं के कारण आपको ज्यादा बिजली उत्पादन उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। आप कह रहे सोलर का कर रहे हैं, बड़े बड़े इसमें लिखा है कि जाने कितना सोलर का काम होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं
सरकार से जानना चाहूंगा, इस देश के रहे राष्ट्रपति जी, उन्होंने एक सुझाव दिया था मुझे और सुझाव पर मैंने काम किया। जब मेरी उनसे बातचीत हुई, जब उन्होंने प्रेजेंटेशन किया था, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की व्यवस्था आप लागू कर देंगे तो मैं उद्घाटन करने आऊंगा। मुझे याद है कि सबसे कम समय में उसको चालू कर दिया था, सोलर प्लांट, और उन गांवों को फ्री बिजली मिलने लगी थी। अभी तक फ्री बिजली मिल रही थी, लेकिन इस सरकार ने उसकी देखभाल नहीं की। वो कारखाना बंद हो गया, आज गांव को बिजली नहीं मिल पा रही है। और वो एक गांव में नहीं, कई गांव में हमें लगाने का काम शुरू हो गया था। रायबरेली में भी लगा था वो, उन्नाव में भी इसी तरह काम शुरू हुआ था। तो जो सरकार देश के राष्ट्रपति के माध्यम से उद्घाटन किया, उनके सुझाव पर सोलर प्लांट लगा हुआ, बहुत छोटा 250 किलोवाट का, अगर वो नहीं चला सकती सरकार, तो इसमें जो सपने दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, वो कब पूरा होगा? और सोलन में जो काम समाजवादी सरकार में हुआ था, वही सरकार के पास उदाहरण है। ये जो एक्सप्रेस वे है, इसमें जितनी भी लाइटें जल रही हैं, अध्यक्ष महोदय, वो सोलर के माध्यम से ही जल रही हैं। विश्वविद्यालयों के बारे में बता रही है कि A++ मिला है सरकार को, वो यूनिवर्सिटी को A+ मिला है, लेकिन सरकार ये बताए उसमें PDA को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन यूनिवर्सिटियों में PDA के लिए कुछ है कि नहीं है? मैं बहुत बड़े आंकड़े नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि बजट में बोलूंगा तब भी मैं आंकड़े कुछ दूंगा। यूनिवर्सिटीज A+, AAA+, AA+ ये तो हो रही हैं, ये बताया जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट किसका हो रहा है? IAS, IPS, IFS में PDA कितना है? महिला आयोग में PDA कितना है? अध्यक्ष मोदी, जब मैं सदन में आया ही आया था तो PDA के लोग बोल रहे थे। महिला आयोग में PDA कितना है? यूनिवर्सिटी में जॉब्स में, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कुल भर्ती में PDA केवल 3% है। जो लोग मेडिकल कॉलेज के लिए जगह ढूंढ रहे हैं बलिया में, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी भर्ती में PDA 0, PDA 0। और अगर मेडिकल कॉलेज बनाना है तो मैं समझता हूँ वहाँ पर्याप्त जगह होगी, किसी और की जगह पर क्यों जाना जब आपके पास यूनिवर्सिटी में ही जगह है, पर्याप्त जगह है। तो मेडिकल कॉलेज अगर बनना है तो वहीं बनाए आप। हिंदी न्यूज चैनल में PDA 3%, हिंदी न्यूज चैनल एडिटर्स और अन्य स्थानों पे PDA कितना है? 3%। यूपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स, PDA कहां है उसमें? फिर PDA जाएगा कहां? फिर PDA कहां जाए?
पीडीए जाएगा फिर? मैं जानता हूं पीडीए पे नहीं बोलेंगे आप, मैं जानता हूं पीडीए पे नहीं बोलेगा कोई। ये A+, A++ इसका कोई मायने नहीं है। अगर पीडीए वहां पर नहीं है तो राजकीय IIT या IIT की बात तो क्या मैं बोलूं। अध्यक्ष महोदय, यूपी में जब से बीजेपी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, एक सैन्य स्कूल बना है, कोई नया IIT नहीं आया, कोई नया IIM नहीं आया, कोई नया एम्स नहीं आया। जो आए हैं पुरानी सरकार के हैं, या जमीन दी गई थी